हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स तड़का दाल। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये पांच तरीके के मिले हुए दाल रहते हैं जो हमें पैकेट में मिलते हैं। आप चाहें तो घर में भी इसे मिक्स दाल बना सकते हैं, पर मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। इसे मैंने कैसे बनाया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स तड़का दाल की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, शगुन मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। मिक्स तड़का बनाने के लिए हमने इस तरीके से मिक्स किए हुए दाल ले लिए हैं। ये हमने 250 ग्राम लिए हैं। कप से मेजरिंग करके देखिए ये कप को ओवरफ्लो कर रहा है, इतना मैंने दाल ले लिया है। ये रेडीमेड पैकेट में आता है, तो इसके लिए मुझे एक बड़ा बाउल चाहिए, उसमें इस कप के दाल को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस दाल को हमें धो लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स दाल है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। एक पाँच वैरायटी के दाल रहते हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें राजमा है, काली उड़द है, चना की दाल है, मसूर की दाल है और हरा मूंग का दाल है। ये साबुत हरा मूंग है। तो इनको मिक्स करके मार्केट में ये मिलता है, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा खुद घर में मिक्स कर सकते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से पानी से धो लेना है, बहुत ही अच्छे से दो तीन पानी मुझे अच्छे से धो लेना। मैं आपको एक बार इस तरीके से धो के दिखा रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से तीन बार धो लिया है इसे। अब हमें क्या करना है, इसे हमें पानी में भिगो कर रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो मैंने इसमें पूरा भरकर पानी डाला, यानी एक गिलास के करीब डाला है, और उतना डाला है कि हमारा सारे दाल अच्छे से कवर हो जाए। और इसको मैंने 6 घंटे के लिए छोड़ दिया ढक करके। तो चलिए 6 घंटे के बाद हम इसे देखेंगे कि ये कितना फूला है। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी भिगोकर रख सकते हैं। तो ये देखिए 6 घंटा हो चुका है, अब हम दाल को चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए दाल हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। तो अब हमें इसको प्रेशर कुकर में डाल करके अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो चलिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, उसमें इस दाल को हम डाल देते हैं। तो हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, अब इसमें हम दाल को पानी के साथ ही डाल देंगे, हमने पानी नहीं निकाला है। और उसके साथ में हम 1 कप पानी इसमें और ऐड कर लेंगे ताकि हमें इसे अच्छे से बॉयल करने में प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से बॉयल हो जाए। तो हमने 1 कप के करीब पानी ऐड कर लिया है, ये देख सकते हैं दाल हमारा डूब चुका है। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसको हम ना लीड लगा लेंगे अच्छे से। लीड लगा करके हम गैस को मीडियम फ्लेम करके हम इसको 4 से 5 सीटी आने तक हम वेट करेंगे ताकि हमारा दाल अच्छे से गल जाए। तो देखिए प्रेशर कुकर को मैंने गैस पर रखा है और मैं आपको 1 सीटी दिखा रही हूँ। मैंने 4 सीटी इस तरीके से ले लिया है और अब गैस का फ्लेम ऑफ करके दाल को मैंने ठंडा करके एक बाउल में निकाल लिया है। तो मैंने सिर्फ आपको 1 सीटी दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। ये करीब 4 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं ये कम या ज़्यादा। तो सरसों का तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए मैंने एक बड़ी इलायची ले ली है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और एक मैंने लिया जावित्री का, ये टुकड़ा है छोटा सा है, देख सकते हैं, ये देखिए एकदम बिल्कुल छोटा सा है। और ले लिया 4 लौंग मैंने लिया है, 4 से 5 लौंग ले सकते हैं आप, 1 तेज़पत्ता, 3 हरी इलायची और 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है और 1 छोटा चम्मच मैंने गोटा जीरा लिया है। तो अब इन सबको हम फोरन को डाल देंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इसे कुछ 30 सेकंड के करीब हम इसे चलाएंगे ताकि हमारा जो गर्म मसाला बाकी है जो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, यानी तेल में थोड़ा सा तड़क जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब कटा हुआ, बारीक कटा हुआ ये लहसुन है, तो देख सकते हैं मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया। और 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने लिया है अदरक, इसी तरीके से बारीक काट करके ले लिया है मैंने। और ले लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच के करीब हरा मिर्च, इसे भी हमने बारीक काट करके लिया है। इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, हमने बारीक काट करके ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से बारीक काट कर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए करीब 2 मिनट हमें भूनना है इसके साथ प्याज को, हाई फ्लेम पे भूनना है हमें अभी, ताकि प्याज हमारा अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमें डाल देना है इसी वक्त इसमें टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए टमाटर हमने डाल दिया है और टमाटर के साथ हमें इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से। हमें तब तक फ्राई करना जब तक कि टमाटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है, टमाटर अभी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 छोटे चम्मच के करीब मैंने डाला धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने डाला 1 छोटा चम्मच तड़का मसाला, ये कोई से भी तड़का मसाला आप ले सकते हैं, वैसे पैकेट के साथ में एक तड़का मसाला का पैकेट वो लोग देते हैं, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को इस तरीके से हाथों से मसल कर डाला है ताकि इसका फ्लेवर जो है तड़के में अच्छे से आ जाए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसे हमें फ्राई कर लेना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, नमक अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है तो इसलिए आप उसके अंदाज से नमक डालिएगा या अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं फ्राई कर लेना, करीब 2-3 मिनट में ही बहुत अच्छे से मसाला भुन जाएगा और ये तड़का वाकई बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत अलग ही स्वाद आता है इसका। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए मैंने फ्राई कर लिया, देखिए अब आपको दिख रहा है कि तेल अलग हो रहा है, तो हमें और कुछ मिनट इसे भूनना है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमें अब तड़का डाल देना जिसे हमने निकाल करके रखा था एक बाउल में यानी उबाल करके, तो वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तड़का कितना हमने उबाल कर रखा था, बहुत अच्छे से ये उबल चुका है, तो देख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। आपको इसका थिकनेस जितना भी रखना हो आप उतना रख सकते हैं, अब उतना ही पानी ऐड कीजिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। तो ये मैं देख रही हूँ मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड होगा, तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें उबाल लेना है। तो अब मैं इसे ढक करके मैं उबाल ले रही हूँ, जब तक कि उबाल नहीं आता तब तक मैं इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर मैं इसे उबाल ले रही हूँ। तो इसे छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए। तो देखिए अच्छे से उबल चुका है, तो ये देखिए तड़का से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो अब हम इस वक्त इसमें डाल देंगे गरम मसाला का पाउडर, तड़का एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार है। ये देखिए गला भी बहुत अच्छे से यानी पक भी बहुत अच्छे से गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। तो अब मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये देखिए ये अपने अकॉर्डिंग आप डालिएगा आपको जितना भी डालना हो। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके, इसमें एक काम बाकी रह गया है, इसे मिक्स करने के बाद हमें इसमें तड़का लगाना है क्योंकि तड़का है भाई, तो इसमें तड़का नहीं लगेगा तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा। तो चलिए इसको अब हम ढक देते हैं ढक करके और हम तड़का की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें मैंने घी ले लिया है 1 बड़े चम्मच, आप चाहें तो घी के जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा लिया, 1 सूखी लाल मिर्च ली, 1/4 चम्मच मैंने हींग लिया है, इन सबको मैं डाल दूंगी इस तड़का पैन में। पर घी से आप इसे तड़का लगाएंगे ना तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, तो इसे हमें अच्छे से तड़का लेना। मैंने 1/2 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ इसमें लहसुन डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए या फिर स्किप कर सकते हैं, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें लहसुन डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे तरीके से लाल हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो गैस का फ्लेम ऑफ करके मिलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा छीके आने लगेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करके डायरेक्ट हम जिस बाउल में सर्व करके रखे हैं ना उसमें हम इसका तड़का लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी एकदम लग रहा, देख कर ही आपको लग रहा होगा तड़का कितना अच्छा बना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसका फ्लेवर जो है तड़के में अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से मिक्स करके मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, ये ऑप्शनल है। मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में अदरक को काट लिया था और इससे सजा दे रही हूँ। उसके बाद मैंने एक धनिया पत्ता का पत्ता जो है वो लेकर के इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया ताकि काफ़ी खूबसूरत लगे। तो लीजिए हमारा मिक्स तड़का दाल बनकर रेडी हो चुका है।